फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ सर्कल एक्सरसाइज 10.6, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल 6 and 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाई ऑन सेम साइड ऑफ इट्स सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। सपोज आपको एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इज आर। ठीक है, अपन इसका सेंटर का सर्कल लिया है ओ एंड रेडियस इज आर, और आपको क्वेश्चन में गिवन है टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल 6 and 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट मीन्स अपन ने दो कॉर्ड ले ली, अपनी एक कॉर्ड हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके, एक कॉर्ड का अपन लेंथ लिया है 6 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है अपनी 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ी सी ऐसी होगी, इससे थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, एक कॉर्ड का लेंथ है 6 और एक कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग अपन कर देते हैं, ये अपना ए बी और ये है अपना सी डी। ठीक है, इफ टू पैरेलल कॉर्ड्स 6 and 8 सेंटीमीटर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स सेंटर। टू, यहां पर पैरेलल लिखना बहुत जरूरी नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल 6 and 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाई ऑन सेम साइड ऑफ इट्स सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। और ये अपना सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, अब आपको यहां पर दिया हुआ है ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 1 सेंटीमीटर, सी डी इज 8 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आपको इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ओ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी और सी डी पे। उसका नेमिंग अपन अलग अलग कर देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये अपना और ये दूसरा परपेंडिकुलर ए बी पे है, इसका नाम अपन देते हैं एन और इसका नाम अपन देते हैं एम। और आपको क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 1, मतलब आपको डिस्टेंस दिया है 1, एम और एन का कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एम और एन का डिस्टेंस दिया 1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ओ एम सेंटर अपन ले लेते हैं इसको एक्स सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, नाउ अब अपन बात करते हैं रेडियस की। तो मैं बात कर सकता हूं यहां पर जो ओ ए है वो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं इसे। एंड सिमिलरली ओ सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ओ सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है ट्रेंगल ओ एन ए इज राइट एंगल ट्रेंगल एंड ट्रेंगल ओ एम सी इज राइट एंगल ट्रेंगल ऑल्सो बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट मीन्स अगर सी डी अपना 8 सेंटीमीटर है तो ये जो है सी एम कितना बन जाएगा 4, और ऐसे ए बी इज 6 सेंटीमीटर है तो अपना ए एन जो है वो कितना बन जाएगा 3। तो इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि अपनों को समझ में आ जाए। ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में अपनों गिवन है कि जो ए एन है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है और जो सी एम है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स मतलब आपको दिया हुआ एम एन, एम एन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और ओ एम को अपन ने क्या मान लिया एक्स सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एन कॉर्ड ऑन सेंटर। नाउ वी टेक राइट ट्रेंगल ओ एम सी बाय पी जी टी। आप देख सकते हैं यहां पर ये हो गया अपना हाइपोटेनियस ओ सी, ओ एम हो गया परपेंडिकुलर और सी एम क्या हो गया बेस। तो अपन यहां पर पुट कर सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब सी एम का स्क्वायर। तो ओ सी जो है अपना क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, सिमिलरली ओ ए भी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। तो अपन यहां लिख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी एम कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है
16, equation number 1. Similarly, in triangle, right triangle ONA, in triangle ONA by PGT, आप देख सकते हैं यहाँ पे OA is the hypotenuse, ON is the perpendicular and AN is the base. तो अपन यहाँ पे वापस से लिखते हैं hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ओके तो अपन यहाँ पे हो गया है OA means क्या वापस से R square ही है अपना और ON कितना है ON अपना 1 plus X की क्योंकि ये जो ओ एन है वो किसी मिलकर बना है ओ एम प्लस ए एम एन से और एम एन है वन और ओ एम कितना है एक्स दोनों को मिला के बन जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एन कितना है थ्री स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा नाइन. इसको नाम दिया अपन इक्वेशन नंबर सेकंड. अब दोस्तों आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन और टू में दोनों का एल एच एस पार्ट में आर स्क्वायर लिखा मतलब दोनों क्या है बोथ आर द रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल है तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ मतलब दोनों के आर एच एस पार्ट को भी मैं इक्वल रख सकता हूँ. तो मैं लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 we compare अब यहां कंपेयर करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 9. तो इसको अपन आगे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 9. तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा यहां बचेगा 16 इज इक्वल टू 1 प्लस टू एक्स प्लस 9. तो 16 इक्वल टू यहां पे देखिए 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 इधर आने के बाद बन जाएगा माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या बचा 2x. तो 16 माइनस 10 कितना होता है 6 इक्वल टू कितना बचा 2x. तो इस प्रकार अपने पास x आ जाएगा x इक्वल टू आएगा अपने पास कितना 3 सेंटीमीटर. ठीक है x कितना आ गया 3 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड अब बात करते हैं अपन को फाइंड आउट क्या करना था रेडियस ऑफ सर्कल. तो अपन इस x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये देखिए बन जाएगा अपना आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना है 16. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 दैट मींस कितना हो गया 25. पर मुझे निकालना क्या है आर. तो अपना आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 क्योंकि जैसे अपन स्क्वायर हटाएंगे इधर का लग जाएगा रूट. तो अपना R बचेगा फाइनली R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स थैंक यू. प्लीज लाइक एंड कमेंट फॉर माय क्वेश्चन इफ यू लाइक इट.